हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे आप घर में मौजूद कुछ ही चीज़ों के साथ अपने बच्चे के लिए बर्थडे केक या फिर अपने लिए एनिवर्सरी केक, कोई भी ओकेशन हो, आप इस केक को तैयार कर सकते हैं और घर में रहने वाली कुछ ही चीज़ों के साथ। तो सबसे पहले इसे बनाने के लिए मैंने एक कप दूध लिया और इसके अंदर हमें 2 चम्मच लेमन जूस डाल के मिक्स कर देना है और इसे हम साइड में रख देंगे। उसके बाद हमें एक मिक्सी का जार लेना है और उसके अंदर इसी कप से 1 कप चीनी डाल के इसे पीस लेना है। पीसने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे 1 कप गेहूं का आटा और इसी कप को मेज़र करके 1 कप दूध डाल देंगे। और मैंने इसके अंदर 2 बड़े चम्मच कोका पाउडर डाला था जो रिकॉर्ड नहीं हुआ, सो मैंने फिर से इसे पीस लिया है। और एक बार इसका कंसिस्टेंसी चेक कर लेते हैं, एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। सो इसके अंदर मैं अभी डालूंगी 1/2 कप, जो कप से हमने सारा चीज़ डाला उसी कप से 1/2 कप व्हाइट ऑयल, आप चाहे तो बटर भी डाल सकते हैं। और इनो डालूंगी 1 पैकेट और इसे फिर से मिक्स कर देंगे। अब एक बोल में हम बैटर को निकाल देंगे और एक स्पैचुला से हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। और यहाँ पर इनो डालने के बाद आप इसे तुरंत बेक करें, हमें रखना नहीं है। और बेक करने के लिए मैंने एक ऐसा बोल ले लिया है और इसके अंदर मैं व्हाइट ऑयल डाल के अच्छे से ब्रश कर लूँगी चारों तरफ से। आप कोई टिफ़िन बॉक्स ले सकते हैं या फिर आपके पास मोल्ड हो तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई भी स्टील या सिल्वर का बोल भी आप ले सकते हैं। सो ऑयल ब्रश करने के बाद मैं पार्चमेंट पेपर यानी कि बटर पेपर इसके अंदर डाल दूँगी और उसे भी हमें व्हाइट ऑयल से ग्रीस कर लेना है। अब जो बैटर है इसके अंदर डाल के हमें टैप कर लेना है। बेक करने के लिए मैंने यहाँ पे ऐसा एक बोल ले लिया है, आप कुछ भी ले सकते हैं, कढ़ाई भी ले सकते हैं। सो उसे हमें पहले 10 मिनट के लिए प्रीहीट करना है, उसके बाद हमें इसे डाल देना है। और केक को हमें 30-40 मिनट बेक करना है। अब मैं चेक कर लूँगी केक बेक हुआ है कि नहीं, ऐसा एक टूथपिक डाल के। अगर क्लीन आया इसका मतलब केक कम्प्लीट है। सो केक को हम ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे। यहाँ पे हम क्रीम की तैयारी करेंगे। क्रीम यहाँ पे मैंने ओरियो बिस्कुट का क्रीम लिया है। सो 3 पैकेट ओरियो बिस्किट का क्रीम मैंने यहाँ पे निकाला है और 2 बड़े चम्मच बटर मैंने डाला है। इसको हल्का सा फेंटने के बाद 2 चम्मच चीनी भी मैं डाल रही हूँ। इसे डालने से ये बहुत जल्दी बीट हो जाएगा। अगर आप चीनी नहीं डाल रहे हो तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन चीनी डालने के बाद आपको 5 मिनट में आपका व्हिप क्रीम एकदम रेडी हो जाएगा। और चीनी डालने से इसका टेक्स्चर भी बहुत अच्छा आता है। देखिए ऐसे हमारा क्रीम रेडी है, केक भी ठंडा हो चुका है पूरा एकदम। जब तक हम केक को डिमोल्ड करते हैं तब तक क्रीम को हमें फ्रिज में ही रखना है। सो मैंने फ्रिज में रख दिया है और केक का साइड जो है मैं एक नाइफ से क्लीन कर दूंगी और इसे निकाल दूंगी। बहुत ही इजीली निकल जाएगा आप अगर पार्चमेंट पेपर यूज़ कर रहे हो तो। अब हमें पेपर को हटा देना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा केक कितना अच्छा बना है और कितना फ्लफ भी बना है। कोई बताएगा नहीं कि इसके अंदर हमने एग नहीं डाला है और ये बिना ओवन का बेक किया हुआ है। सो इसे हम बीच से कट लेंगे ताकि हम केक को अच्छे से डेकोरेट कर पाए। अब मैं आपको इसका अंदर वाला हिस्सा दिखा देती हूँ, कितना अच्छा स्पॉन्ज जी बना है। और क्रीम जो है मैंने फ्रिज से निकाल करके बीच से एक बार स्प्रेड कर दूंगी। और दूसरा वाला जो केक का हिस्सा है वो मैं इसके ऊपर लगा दूंगी। और इसके ऊपर से हमें डालना है चॉकलेट गनाश। एक चम्मच से मैं इसे स्प्रेड करूंगी पूरे केक के ऊपर। और यहाँ पर केक जो है हमारा बिल्कुल सेट हो गया है। अब मैं इसके अंदर ऊपर डाल रही हूँ जो हमारा व्हाइट क्रीम है, उसे मैंने एक एल्युमिनियम फॉयल के अंदर डाल दिया है और मेहंदी का जैसा कोन होता है वैसे ही बना लिया है। और नीचे से एक नोजल लगा दिया है और यहाँ पर मैंने 6 फ्लावर बनाया है। और साइड में केक के चारों साइड से मैं एक रिबन जैसा बना दूंगी ताकि केक जो है और भी अच्छा लगे, सुंदर लगे। और ऊपर से मैं चेरी से डेकोरेट कर रही हूँ चारों साइड से। और बीच में जो एक चेरी है वो मैं डाल दूंगी। सो केक यहाँ पे मेरा रेडी है। आप ज़रूर बनाएं, आपके बच्चे का बर्थडे हो या फिर आपका एनिवर्सरी हो, सॉफ्ट मुलायम बहुत ही अच्छा केक बना था। ज़रूर आप अपने घर पे ट्राई करें, कैसा लगा नीचे कमेंट में बताएं। अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। बाय बाय।